Hey guys, welcome back to another fresh new vlog of Mr. Alas. Hope you all would be doing absolutely fine. आज ऐसे हम बोर हो रहे थे तो मेरा एक रैंडम प्लान बना मेरे दोस्त के साथ कि चल चलते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, कंटेंट बनाते हैं. सो मैं निकल जाऊंगा अभी मेरे दोस्त के साथ, पहले उसके पास जाऊंगा, फिर उसके बाइक पे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कुछ रिव्यू वगैरह कर देंगे. उसका है हंटर 350. सो जाएंगे, कुछ करेंगे एंड आई विल शो यू गाइस व्हाटएवर आई डू. टिल देन स्टे ट्यून्ड. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग ऑफ मिस्टर लस. होप यू ऑल वुड बी डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. इंट्रोडक्टरी तो हमने दे दिया था घर पे ही, बाकी नाउ आई एम ऑन द रोड्स एंड मैं अभी निकल चुका हूँ कलिंग स्टेडियम के पास. वहाँ पे एक्चुअली मेरा एक दोस्त वेट कर रहा है. एक बोर हो रहे थे सो पहले जाके पेट्रोल फिल अप करेंगे, वहीं पर ही कर लूँगा सोच रहा हूँ. थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, वेदर इज़ जस्ट ऑसम एंड हमारा मूड भी ऑसम है. ऑब्जर्विंग गाइस की पता है ना, ये जो कैमरा वैमरा सब लगा देने से लाइक लोगों का रिएक्शन पूरा अलग हो जाता है. दे स्टेयर एट यू, घूरते रहते हैं. बाकी बाप रे मेरा स्पीड कितना है, 56. हाँ ऊपर कैमरा है. पता है ना, 4 दिन पहले मेरा चालान आया घर पे कि ओवर स्पीडिंग के लिए चालान आया है. सो इसलिए पूरा थाम्बा थाम्बा जाएंगे, अपने पास इतना पैसा नहीं है चालान भरने के लिए. सो लेट्स गो. स्टेडियम वहाँ पे स्टेडियम है एंड ये आगे राइट साइड में उसके गेट्स हैं. बाकी मेरा दोस्त उस साइड पेट्रोल पंप के पास है तो आगे ट्रैफिक से हम यू टर्न लगा के जाएंगे दोस्त के पास. मेरा दोस्त कहाँ गया. ये रहा अपना बापी, बापी दी व्लॉगर. ये भी एक व्लॉगर है. बापी तेलो पके दी कैसे तेल. तो हम जाके थोड़ा पेट्रोल भरवा लेते हैं फिर जाएंगे हम. का पेट फुल, फिर उसके बाद जाएंगे घूमने. 940 940 ना जितेबले चाहिए ऑन कर पारे ऑफ कर पारे. ऑन अच्छे ना देखी कड़ी हाँ बॉडी वोट टैंक रे ना मैं हाइट कहीं कम नहीं. कौन कहला एडा वर्जन 4 टा बा. हाँ वर्जन 4 टा. हाँ
बापी भैया कहाँ जाएंगे? चैनल ना हो ची मिस्टर लस MR LUS मार दो वो हैला जाए सब्सक्राइब कर दो तो आज तो चैनल दे तो वीडियो आसी तो सांगरो वीडियो आसी तो ना कौन राहुल तुम्हारा ओके थम्स अप आसियो सी भी तुम सांगो हो भोनी कौन साइकिल चलो चो हो बाय अरे बच्चे मन के सच्चे MR MR LUS लस कौन कहलो हाँ LLUS एस मिस्टर लस मन रहा तो सिंड्रेला का पेट हो चुका है फुल और हम निकल चुके हैं व्लॉग के लिए। बाकी आप लोगों ने देखा कि वो बच्चा अरे भाई यूटर्न बंद कर दिए हैं बापी यूटर्न बंद को आगे आगे रे यूटर्न तो सामने से यूटर्न लेना पड़ेगा। बाकी दो बच्चे मिल गए थे वो पूछ रहे थे कि भाई आपका चैनल का नाम क्या है। वो शर्मा रहे थे एक्चुअली भैया लाजो लागुची अरे शर्मा ना क्या यार। तो मैं उनको वही बोला कि भाई मुँह भी तुम बड़ा ओडिया पिला सो ओडिया रहे वो इसलिए ओडिया में उनसे बातचीत की ताकि उनका थोड़ा नर्वसनेस थोड़ा चला जाए। और उन्होंने चैनल का नाम भी पूछा क्या। चलो चलते हैं ये देख सकते हैं अपना खूंखार बापी जा रहा है बाइक को घूम घूम करके फोर वे इंडिकेटर दे के छपरी जैसा टर्न मार के बापी जा रहा है। लेंगे लेफ्ट फिर आके पहुंच जाएगा हमारा लोकेशन। ये लोकेशन पे ये रहा मेरा दोस्त का हंटर 350। सो हियर इज़ द हंटर 350। बहुत ही सुंदर बाइक है रॉयल इनफील्ड के तरफ से एक बजट सेगमेंट पे। इट्स लाइक जो सेम आपका मेट्योर सुपर मेट्योर का सुपर मेट्योर नहीं सॉरी क्लासिक और मेट्योर का जो इंजन है उसी का इंजन 350cc का इसमें डाल के एक बजट सेगमेंट पे बाइक को हल्का करके रॉयल इनफील्ड ने निकाला है। एंड कमिंग अपॉन ये 1.5 लाख से स्टार्ट होता है ऑन रोड। अब बापी तेरा कितना आया था इसका ऑन रोड? ऑन रोड आया था 2,05,000 और एक्सीडेंस के साथ 2,15,000। ओह 2,05,000 सो या। एंड आपका क्लासिक तो वही आ जा रहा है 2.5 तो ये हाँ 50,000 से कम है। एंड बाइक एक स्वीट क्यूट सा बाइक दिखता है। एंड ये थोड़ा कॉलेज चला गया था इसलिए बाइक गंदा हो गया था बाकी इसने वॉश तो किया था। बाकी आप सब देख सकते हैं इसका एक चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो इसका थोड़ा हाइट थोड़ा छोटा कर दिया है। बाकी इट्स द फर्स्ट रॉयल इनफील्ड टू गेट 17 inches ऑफ अलॉय 17 inch का अलॉय व्हील मिलता है इसमें। एंड बाकी रॉयल इनफील्ड का फील है एंड इट्स अ गुड सिटी टूरर। एंड चाबी देना इसको मैं आपको थोड़ा चला के दिखाता हूँ कि कैसा क्या है। तो ये मेरा दोस्त का है कैमरा ऑन है एंड थोड़ा ऐसे घुमा कर आते हैं। चलो स्टार्ट किए पहले एग्जॉस्ट सुना देते हैं आपको एग्जॉस्ट साउंड सुन एग्जॉस्ट साउंड। एंड चलो फर्स्ट गियर लेट्स गो। बाकी मैं ये बाइक पहले भी चला चुका हूँ इसलिए इसका सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। द सस्पेंशन इज जस्ट ऑसम। एंड हम हजार्ड को ऑफ कर देंगे कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट गियर 40 सेकेंड गियर अच्छा स्पीड पकड़ता है नॉट अ प्रॉब्लम। एंड जो इन हैंड फील है सिटी के लिए बहुत ही अच्छा लगता है
एंड इसका जो माइलेज है वही वे तो बोल रहा था 30-35 इतना ही आता है. ऑफ कोर्स सेम एज रॉयल इनफील्ड के दूसरे बाइक्स के साथ सेम ही होगा. यहाँ से यू टर्न लगा देते हैं. बाकी ब्रेक्स के बारे में थोड़ा टेस्ट करेंगे. ब्रेक्स आपका वाह 5 है सामने वाले ब्रेक में. एंड ये रहा आपका पीछे का ब्रेक में 5 है. एंड कहूँगा साउंड थोड़ा रॉयल इनफील्ड के जैसा थोड़ा डिफरेंट है रॉयल इनफील्ड से. बाकी ये थोड़ा हल्का है, इजी टू मैनोवर है, मतलब आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं. एंड यही सब चीज़ें हैं. एंड टोटल 5 गियर्स, देर आर 5 गियर्स. लाइक आप सब देख सकते हैं मैं 5वीं गियर पे अराउंड 30-35 के स्पीड में चल रहा हूँ. पर या कोई दिक्कत नहीं है, नो वाइब्रेशंस. एंड नॉर्मल ये आपका स्टार्ट स्टॉप का स्विच, ये आपका लाइट्स, ये आपका हजार्ड, ये आपका इंडिकेटर्स, ये हॉर्न, बस ये आपका स्पीडोमीटर कंसोल एक बेसिक सा, और यही है. आप सभी तो देखे होंगे, इसके बारे में और क्या ही बताऊं. बाकी यार अच्छा बाइक था. एंड द थिंग इज कि इसमें हैलोजन हेडलैम्प्स दिया है. अच्छा अगर एलईडी देते हिंदी. और इसमें एक्सेसरीज क्या क्या लगाया है तुम? लेग गार्ड है. अच्छा ये विंडशील्ड है. अच्छा आफ्टर मार्केट. हाँ ये सब कंपनी में लगा है. मिरर सिर्फ बार एंड मिरर सिर्फ कंपनी बाहर से लगा है. प्लान है अपग्रेड करने का अभी. अच्छा माइलेज कितना क्या आ जाता है? माइलेज 35-40 आ जाता है आराम से. और यही था इस बाइक के बारे में. एक लुक अराउंड दे देता हूँ आप सभी को. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस बाइक. सिंपल सुंदर ब्यूटीफुल क्यूट सा मशीन. ही मैं हूँ अपने स्कूल के रास्ते में, अपने बचपन का प्यार, मेरा DAV यूनिट 8. मेरे यहाँ पे मेरा एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था. कॉर्नरिंग कर रहा था क्लास 12 में, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था. एंड जो भी बोलो भाई, लाइफ में जितना भी आगे चले जाओ, जो भी कर लो, स्कूल का प्यार तो स्कूल ही होता है. यही बड़े नया पल्ले भारू रास्ता जानचु भीतर बटे जानचु. हाँ चाल में देखे तुझ रास्ते में. मैं स्कूलिंग के टाइम में बहुत बार आ चुका हूँ. दिस हैज अ लॉट ऑफ मेमोरीज दिस रोड. फिर मैं अभी भी आता हूँ इस रोड पे. लाइक मेरा जो अनमोल एक दोस्त है उसका घर यहीं पास ही में है, तो लाइक ऑलमोस्ट 2 दिन के इंटरवल में तो इस रोड में आता हूँ. बाकी स्कूल के टाइम में इधर बहुत आता था. एक दिन ये वाले रोड में इसी जगह पे मैं रात को 9 बजे फंस गया था. एक दोस्त के पास आया था, 9 बजे मुझे ओला नहीं मिला. तभी घर में गाड़ी देते नहीं थे, तो वो ओला मैं बुक कर रहा हूँ भाई, आजा. वो ओला नहीं आ रहा. सो यही था वीडियो के बारे में. सो आई वाज थिंकिंग दैट गाइस 80% ऑफ द व्यूअर्स हैवंट सब्सक्राइब्ड मी टिल इट. क्या यार सब्सक्राइब करते, इतनी भी क्या कंजूसी. व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. Meet you all guys in another vlog. Till then, keep loving, keep supporting. Signing out, Mr. Les. Bye bye.